विदिशा में पत्नी और दो बेटों के साथ बीजेपी के पूर्व पार्षद संजीव मिश्रा ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। खौफनाक कदम उठाने से पहले संजीव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी और खुदकुशी से चंद घंटे पहले उन्होंने दो पोस्ट लिखी। पहली पोस्ट में बीजेपी नेता ने लिखा कि ईश्वर दुश्मन के बच्चे को भी ना दे ये बीमारी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रार्थना। वहीं दूसरे में नसीब फिल्म के गाने की पंक्तियां शिकवा नहीं, भाग्य में था नहीं, हमें मिला नहीं लिखी थी। बताया जा रहा है कि पत्नी और दो बच्चों समेत अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले दिन में संजीव मिश्रा शहर में तमाम लोगों से हंसी खुशी मिले थे। किसी तरह से संजीव ने लोगों को एहसास तक नहीं होने दिया कि उनके मन में क्या चल रहा है। पूरे परिवार के साथ संजीव की खुदकुशी ने पूरे विदिशा को दंग कर दिया। संजीव मिश्रा विदिशा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 32 से बीजेपी के टिकट पर पार्षद रहे थे। वहीं मौजूदा समय में वो बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष पद पर तैनात थे। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता संजीव मिश्रा, जिनकी उम्र 45 साल है, उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लगातार दो पोस्ट करने के बाद घर पर सल्फास की गोलियां खाकर कथित रूप से पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। उन्होंने पोस्ट में लिखा, भगवान अपने दुश्मन के बच्चों को भी लाइलाज बीमारी टचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ना दे। पोस्ट पढ़ने के बाद उनके परिचित बंटी नगर इलाके में उनके घर पहुंचे, जहां संजीव मिश्रा और उनकी पत्नी नीलम, जो कि 42 वर्षीय थी, और दो बच्चे जो कि 1, 13 और 7 साल के थे, वो बेसुध पड़े थे। चारों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने बताया कि मिश्रा के बेटे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित थे, जो लाइलाज बीमारी बताई गई। सुसाइड नोट में मिश्रा ने लिखा कि वो जीना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने बेटों को नहीं बचा सकता था। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच के आधार पर ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।